दोस्तों, टारेंटुला सबसे बड़ी ज्ञात मकड़ियां हैं। वे मुख्य रूप से रेगिस्तान, वर्षावन और घास के मैदानों में निवास करते हैं। ये अंटार्कटिका को छोड़कर सभी महाद्वीपों में पाए जाते हैं। टारेंटुला की 800 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। इस मकड़ी का आकार भिन्न भिन्न हो सकता है। वे नाखून के रूप में छोटे या डिनर प्लेट के रूप में बड़े हो सकते हैं। अधिकांश मकड़ियां बालों वाले होते हैं, जिनमें की 8 पैर होते हैं, जिसमें 2 नुकीले पैर होते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है इस मकड़ी की 8 आंखें होती हैं, लेकिन वे ठीक से नहीं देख पाती हैं। ये मकड़ी काट सकता है। ये विष का उत्पादन नहीं करते हैं। इसका विष तैतिया के काटने जैसा होता है। टारेंटुला कीड़े, छोटी छिपकलियां और यहां तक कि पंछी को भी खा जाते हैं। ये अपने भोजन को चबा नहीं सकते हैं, इसीलिए वे पाचक रस को शिकार में इंजेक्ट करते हैं। टारेंटुला का मुंह भूसे के आकार का होता है। इस मकड़ी के बहुत सारे दुश्मन हैं, जैसे कि सांप, छिपकली, पंछी और लोमड़ियां। शिकारियों से बचने के लिए टारेंटुला अपनी पीठ और पेट पर आसानी से अलग होने वाले बालों का उपयोग करते हैं। शिकारी के संपर्क में आने पर ये बाल अप्रिय खुजली पैदा करते हैं। टारेंटुला अपने क्षेत्र को चिन्हित करने के लिए और अपने अंडों की रक्षा करने के लिए रेशम का उत्पादन करते हैं। टारेंटुला जमीन के कंपन का पता लगा सकती है, जो शिकारियों और शिकार का आसानी से पता लगा लेते हैं। शिकारियों के मामले में ये छिप जाते हैं, शिकार के मामले में या घात लगाकर इंतजार करते हैं, जब तक कि शिकार उनके पास नहीं आ जाता है। नर मादाओं की तुलना में बहुत छोटे होते हैं। अधिकतर मादाएं संभोग के बाद नर को खा जाती हैं। मादा लगभग 2000 अंडे देती हैं। अधिकतर मकड़ियां अपने जीवन के पहले कुछ वर्षों में शिकारियों द्वारा खा लिए जाते हैं। अगर इसके जीवन काल के बारे में बात करें तो नर मकड़ी 5 से 10 साल तक जीवित रहते हैं, जबकि मादा 20 साल से अधिक जीवित रहती है। तो दोस्तों, ऐसी जानकारी के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।